नो डाउट्स, जहां भी ये असेंडिंग ऑर्डर हो ऐड कर देने का, डिसेंडिंग ऑर्डर हो इस स्पॉट में उतना माइनस कर देने का। यहां पे दो महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो हमने वन मंथ का निकाला और थ्री मंथ का निकाला और उसका एवरेज कर दिया, बिड का एवरेज बिड में और आस्क का एवरेज आस्क में। ओके देख लिया हो मतलब बनी हुई। उधर दिखा दे, टाइम क्यों लगता है इन लोग इतना।
फ्रेंड्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट क्वेश्चन 45 बिकॉज यहाँ पे जो प्रीमियम पॉइंट दिए हैं असेंडिंग पॉइंट में हो तो ऐड कर देने का और डिसेंडिंग में हो तो रिजेक्ट कर देने का. देयर इज नथिंग ग्रेट एज सच टू डू इट. मैंने केवल आंसर ही लिखा था. देयर इज नथिंग ग्रेट. वन मंथ में 0.6.92 लिखा है मतलब असेंडिंग ऑर्डर है तो ऐड कर देना स्पॉट में. और टू मंथ के लिए 0.4.3 है तो स्पॉट में से कम कर देना है. फ्रेंड्स यूएस कंपनी इम्पोर्टर है, उसे इम्पोर्ट करने का है. कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख मार्क्स. मार्क्स डच मार्क एक ही बात है, कोई लोग मार्क लिखते हैं कोई डच मार्क लिखते हैं. टर्म्स है 2/10 नेट 90. स्पॉट रेट है 0.55 डॉलर पर डीएम एंड 90 डे फॉरवर्ड रेट राइट नाउ इज 0.56 डॉलर पर डीएम. टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब है पेमेंट टर्म्स इज फॉर 90 डेज. Payment terms is for 90 days, but 2% discount allowed is paid within 10 days.
let me intervene to answer a question from Porbandar. I am sure, Mr. Porbandar, you were present in the last lecture. Swap point is just a matter of a manner of expression. इसमें mechanism नाम की कोई चीज नहीं होती है. अगर high low high लिखा हो तो आप forward date निकालेंगे, add करेंगे, और high low लिखा हो descending order में हो तो check करेंगे. इसमें mechanism नाम क्या चीज होती है? Spot और forward का difference है. It's just a matter of convention that we write like this. I don't know about the question. It's a mechanism of swap point क्या चीज होती है? I am still not clear about the question itself. The only thing is that अगर low high लिखा हो तो it's a convention that we add it to get the forward rates. और अगर high low करके लिखा हो तो उसमें हम deduct करके forward rate निकालते हैं. That's a convention.